आज सुबह सुबह यूं ही घर के पास घूम रहा था। पतंग आ गए थे रंग बिरंगे, उसी खुशी में झूम रहा था। एक घोंसला दिखा छत पर, कुछ पतली पतली आवाजें आ रही थी। मैंने देखने की कोशिश की, जरा झांक के एक छोटी सी चिड़िया रो ही जा रही थी। मैंने पूछा उससे, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन मैं खुद सोच में पड़ गया। सुन लो तुम भी, मेरे दिल और दिमाग के बीच में ये सुनकर जंग छिड़ गया। उड़ने का जुनून है मुझ में, लेकिन मैं इस खूबसूरत दुनिया में अभी तो आई हूँ। पता नहीं सीख पाऊंगी भी या नहीं। अकेली हूँ, अपने आप में ही डरी जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी माँ नहीं है। हाँ, वो एक डोर में उसकी एक पाँख कट गई, ऐसा पापा कह रहे थे। मैं तो इतनी छोटी हूँ ना, कैसे जा पाऊंगी उसे देखने? दर्द होता है, खासकर तब जब मैंने अपनी माँ को खो दिया। ये दुनिया में तुम्हें बहुत मैसेजेस आएंगे कि इस नंबर पर कॉल कर दो अगर कोई पंछी तुम्हें घायल दिख जाए। आजकल हो रहे हैं एक्सीडेंट बड़े बड़े। इंसान इंसान को नहीं बचाता, ये हम पंछियों को क्या खाक बचाएंगे? क्यों तुम अपनी उंगली और आसमान की खूबसूरती को मिटाने में लगे हो? क्यों? क्योंकि तुम सेलिब्रेशन नहीं, कंपटीशन में लगे हो। पतंगों से भरा आसमान मुझे भी बहुत पसंद है सच्ची, पर वो तो कच्चे धागे से भी उड़ जाएगा। प्लीज मेरी बात समझ जाओ। मेरी माँ तो वापस नहीं आ पाएगी, पर तुम हम जैसे दूसरे पंछियों को बचा सकते हो ना? और हाँ, 13 जनवरी को बस एक दिन अपने आसपास खाना डाल देना, जिससे हम जैसे पंछियों को दूर ना जाना पड़े। मैं जानती हूँ तुम समझ जाओगे, और किसी अपने को खोने का दर्द तुम अच्छे से जानते हो। तुम है छोटी सी चिड़िया। इस दुनिया की आसमानी खूबसूरती को मुश्किल ही ना हो इस तरह पतंग उड़ाओ, सेलिब्रेशन करो, कंपटीशन नहीं।